विश्वास है मुझे, आज के दिवस पर मैं अट्टासुर का अंत अवश्य करूंगा। इंद्रदेव सुदर्शन, अति उत्तम रणनीति है ये। वीरभद्र की ध्वनि ने मेरे तीरों की दिशा बदल दी, मुझे इन्हें नियंत्रित करना होगा। ये क्या हो रहा है, मैं अपने तीरों को नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रहा हूं? अपने अपने स्थान पर लौटिए। व्यूह रचना पुनः सुदृढ़ हो गई। कुमार कार्तिकेय, माता महाकाली और वीरभद्र जी ने प्रथम आक्रमण में अट्टासुर की रक्षा कर ली, किंतु अब तारकासुर अपने द्वितीय आक्रमण के लिए तैयार था, जो और भी भयंकर होने वाला था। कहो देव सेनापति, आज दिवस के प्रथम पहर के युद्ध में आनंद तो आया ना तुम्हें? इस प्रहर के युद्ध में सिद्ध कर दिया तुमने कि तुमसे अधिक कुशल रणनीतिज्ञ हूं मैं। युद्ध के प्रारंभ में ही अपने सर्वाधिक शक्तिशाली महायोद्धा ये चक्रव्यूह और अपनी रणनीति और ये वीरभद्र और देवी महाकाली सबकी सहायता प्राप्त कर ली तुमने, किंतु मैंने तो केवल अपने एक ही महायोद्धा कंदिरा का परिचय दिया है तुम्हें। पूर्ण विश्वास है मुझे, आज के दिवस पर मैं अट्टासुर का अंत अवश्य करूंगा। और मेरे महायोद्धा, मेरे एक आदेश पर तुम्हारी सेना को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। योद्धा अपने वचनों से नहीं, अपने अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करते हैं तारकासुर, किंतु मैं समझता हूं तुम्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होगा। और कौन कितना श्रेष्ठ होता है ये तो समय ही निर्धारित करेगा। वो ज्ञात करने का समय अब आ गया है कुमार कार्तिकेय। आक्रमण असुर महाराज तारकासुर की जय।
तक। कंदिरा, त्राही मचा दो इस देव सेना में। जाओ। नेत्र पानी, मुझे ज्ञात है अपना युद्ध कौशल दर्शाने के लिए तुम लालायित हो रहे हो, किंतु यहीं रहकर तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। उचित समय आने पर मैं तुम्हें अवश्य याद करूंगा। और मैं महाराज, मेरे लिए क्या आदेश है? प्रतीक्षा करो बहु का, क्योंकि जो कार्य तुम्हें करना है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उचित है महाराज। बहुत ही नीरस युद्ध होने वाला है ये, क्योंकि इसके आरंभ में ही हमें ज्ञात है कि यहाँ क्या होने जा रहा है। सदा यही भूल तो करते हो, देवताओं को कम आंकने की भूल। देव सेना अपने स्थानों पर स्थित रहकर इन असुरों को रोकने के लिए तैयार हो जाओ। बस यही धातु की ढाल है वो उपाय, इससे तुम हमें रोकने का प्रयत्न करोगे देवराज इंद्र। बाकी युद्ध नहीं, वास्तविक युद्ध करो दुष्टों, और यदि साहस है तो बढ़ो आगे। देवराज इंद्र ने इन ढालों को अपनी विद्युत शक्ति प्रदान कर देव सेना के लिए एक शक्तिशाली विद्युत कवच का निर्माण कर दिया है। देव शक्ति को भेदना अर्थात मैं सुरक्षित ही रहूंगा। महाराज, आप मुझे अनुमति क्यों नहीं दे रहे कि मैं आगे बढ़कर इन सभी देव सेना को एक ही क्षण में नष्ट कर दूं? नहीं बहुका, नहीं, अभी तुम्हारे लिए ये उचित समय नहीं है। तो वो समय कब आएगा महाराज? जब इनका चक्रव्यूह छिन्न भिन्न होगा और इनकी सेना अस्त व्यस्त होकर चितर बितर हो जाएगी, तब तुम अपनी शक्ति का प्रयोग कर उस कुमार कार्तिकेय को पाताल लोक में खींच लेना और तब वहां पर अंत कर देना उस कुमार कार्तिकेय का, और उस अंतराल में मैं इस अट्टासुर का वध करूंगा। मैं समझ गया महाराज। उत्तम प्रयास था देवराज इंद्र, किंतु मात्र विद्युत ऊर्जा युक्त ढालों से हमें महाराज तारकासुर के योद्धाओं को तुम रोक सकोगे? ये भ्रम मत पालो तुम। हाँ,
भेज देंगे इस व्यू रचना को। महाराज तार का सुर्खी, महाराज तार का सुर्खी। लो, व्यर्थ हो गई ना तुम्हारी ये ढाल देवराज इंद्र। हमारे ये पुराने शीर असुर सैनिक तुम्हारी इस ढाल को पार कर का तुम्हारे व्यू में प्रवेश कर लेंगे। ये असुर अपनी शक्ति का प्रदर्शन तो आवश्यक समझते हैं, किंतु विरोधी की शक्ति को आंकना कदापि नहीं। अभी इन्होंने इंद्रदेव की शक्ति देखी, प्रतीत होता है यक्ष वीरों के कौशल से इनका परिचय कराने का उचित समय आ गया। इंद्रदेव, सुदर्शन पत्र कार्तिकेय ने सुदर्शन व्यू रचना का निर्माण किया है ना स्वामी? अति उत्तम रणनीति है ये पुत्र कार्तिकेय की। देव सेना के समस्त वृत्त एक के ऊपर एक स्थित होकर एक दुर्गाकार वृत्त का निर्माण कर रहे हैं। अपने शत्रु को भ्रमित कर उसे परास्त करने के लिए प्रत्येक व्रत विपरीत दिशा में गतिमान होकर अपने आक्रमण को प्रबल कर सकता है, जिससे शत्रु उस चक्रव्यूह को भेदने में असमर्थ हो जाता है। चलता रहे और शीघ्र सूर्यास्त हो जाए तो मेरे प्राण सुरक्षित रहेंगे। तुम कितने भी कुचक्र रच लो देवताओं, किंतु हम सबको भेद डालेंगे। हमारे सैनिकों के ढालों की शक्ति इस असुर के गदा की ओर खींची जा रही है। क्या हुआ देवराज, तुम्हें क्या प्रतीत हुआ कि तुम विद्युत ऊर्जा के स्वामी हो? तो इसका प्रयोग करके तुम मुझे रोक लोगे? तो देखो, मेरी इस गदा ने तुम्हारी समस्त विद्युत ऊर्जा को
चोख लिया है और अब मैं तुम्हारी विद्युत ऊर्जा का स्वामी बन गया हूं। सैनिकों आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आक्रमण करो और इस व्यू संरचना को भेदने का प्रयत्न करो। बहुत अच्छे, देव सैनिकों गतिशील हो जाओ। आगे बढ़ेंगे हम, भेज देंगे इस व्यू रचना को। महाराज तारकासुर की जय। महाराज तारकासुर की जय। इंद्रदेव, तुम्हारी ऊर्जा को अंधकारमय ऊर्जा में परिवर्तित कर तुम्हारी इस क्रीड़ा का अंत करूंगा मैं। चतुर, तुम्हारे समस्त प्रयास विफल करूंगा मैं। हंतक की गदा किसी भी देवता की ऊर्जा को सोख कर उसे अंधकारमय ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है। मैंने कहा था ना देवराज, तुम्हारी ऊर्जा से तुम पर घाता प्रहार करूंगा मैं। किंतु मैं देवराजेंद्र को क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। कदाचित तुम ये भूल रहे हो वरुण देव कि मैं भी यहां हूं। इसने अपने बाण से मेरे जल को वाष्प में परिवर्तित कर दिया और उस दुष्ट की गदा मुक्त हो गई। मैं अपनी गदा पुनः अपने हाथों में लेकर इन देवताओं की समस्त ऊर्जा को खींच लूंगा मैं। तुम्हें तुम्हारी गदा से मैं दूर रखूंगा दुष्ट। इस व्यू को भेज देंगे हम, आगे बढ़ेंगे, नष्ट कर देंगे इस देव सेना को। हम स्थिर नहीं रह पा रहे हैं, असुरों ने हमें पीछे हटा दिया है। व्यू के भीतर प्रवेश कर गए हैं ये दुष्ट।
इन्हें अट्टासुर तक कदापि नहीं पहुंचने दूंगा। दुष्ट असुरों, कुबेर की गदा के समक्ष तुम टिक नहीं सकोगे। चक्रव्यूह में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है असुरो। कोई नहीं रोक सकता हमें, आगे बढ़ेंगे हम। देवराज इंद्र और हंतक के युद्ध के मध्य सूर्यदेव आ गए और फिर कुछ ऐसा घटित हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये क्या? मैं ऊर्जा विहीन हो रहा हूँ जिसके कारण समस्त सृष्टि संकट में आ जाएगी। हंतक ने अपनी गदा शक्ति से सूर्यदेव की समस्त शक्तियों को क्षीण कर दिया था और जिसके परिणाम स्वरूप ही समस्त सृष्टि अंधकार में ही हो गई। ये क्या कर दिया आपने सूर्यदेव? आपकी ऊर्जा ही तो समस्त प्राणियों की ऊर्जा का आधार है। अब आपकी ऊर्जा से रिक्त होकर समस्त देवता एवं देव सैनिक भी ऊर्जा रहित हो गए। युद्ध का मैदान हो या कार्यस्थल, चुनौतियां तो आती ही हैं, उसका सामना करना ही वीरता है।